से यार, आज हम लोग इंडियन रेलवे में चलने वाली थ्री फेज मेमू के ब्रेक सिस्टम, ब्रेक बाइंडिंग और उसके द्वारा संबंधित चर्चा करेंगे। थ्री फेज मेमू में रैक फॉर्मेशन इस प्रकार से है। सबसे पहला डीएमसी ड्राइविंग ओनर कोच, जो एक पावर कोच है जिसमें प्रत्येक एक्सल पर ट्रैक्शन मोटर लगे रहते हैं, जो कि गाड़ी को पावर देने का काम करते हैं। पेंटो से कलेक्ट पावर को ट्रैक्शन मोटर द्वारा एक्सल को दिया जाता है। उसके साथ उसके पीछे चलने वाले टेलर कोच, जिसमें पैसेंजर सेल्फ एरिया है, जिसमें पैसेंजर बैठने काम करते हैं। मेमू दो बेसिक यूनिट से मिलकर रैक का फॉर्मेशन होता है। एक बेसिक यूनिट में एक डीएमसी और तीन टीसी लगे होते हैं। दो बेसिक यूनिट मिलकर एक मेमू रैक का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ट्रेन सेट कहलाते हैं। मेमू में ब्रेक संबंधित जानकारी के लिए कुछ इसमें डिस्प्ले और ड्राइवर डेस्क यूनिट में कुछ इक्विपमेंट लगे हैं, जिसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ड्राइवर डेस्क इक्विपमेंट में ड्राइवर स्विचेस लगे हैं। उसके बाद 10.4 इंच के टच बेस्ड डिस्प्ले। उसके बाद गेजेस हैं। गेजेस में पहले डुप्लेक्स गेज है, जिसमें एमआर और बीपी प्रेशर शो करते हैं। उसके बाद एक 4 इंच के सिंगल गेज है, इसमें ब्रेक स्पेंडर गेज है। उसके बाद एफआई पैनल, एफआईपी पैनल है, और इंडिकेशन पैनल, साथ में पार्किंग ब्रेक गेज लगे हैं। उसके बाद हमारा स्पीडोमीटर कम स्पीड रिकॉर्डर लगे हैं। और आगे आएंगे, एक गार्ड डेस्क है, गार्ड डेस्क में गार्ड स्विच पैनल बने हैं, और यहाँ पर गार्ड हैंडल, इमरजेंसी गार्ड ब्रेक के लिए हैंडल लगे हैं। यहाँ आए आप थोड़ा देखें, ये हमारा ब्रेक कंट्रोलर है, जो कि ऑटो ब्रेक के लिए, मेनू ब्रेक वर्किंग के लिए है। ये मास्टर कंट्रोलर सेट है। मास्टर कंट्रोलर में मास्टर कंट्रोलर हैंडल, मास्टर कंट्रोलर के लिए डीसीएस की और डायरेक्शन स्विच लगे हैं। डायरेक्शन स्विच के तीन मोड है, 0 न्यूट्रल मोड, फॉरवर्ड मोड और रिवर्स मोड। डीसीएस की यहाँ इनपुट होते हैं, इसमें लगा के इंसर्ट करके ऑन पोजीशन और आरडीएम पोजीशन। इसी तरह मास्टर कंट्रोलर की भी तीन पोजीशन, न्यूट्रल पोजीशन, ड्राइविंग पोजीशन और ब्रेकिंग पोजीशन। ड्राइवर डिस्प्ले में कुछ आइकॉन बने हुए हैं। आइकॉन यूनिट हिसाब से है, एक यूनिट सिंगल यूनिट के लिए ये आइकॉन शो करेंगे। इसमें 24 आइकॉन बने हैं, यूनिट 2 के लिए ये 24 आइकॉन है, जिसको देख के ड्राइवर ऑपरेशन संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए हमारे यूनिट 1 में और यूनिट 2 में ये जो शो कर रहा है, ये मेन कंप्रेसर का एमएसी मेन एयर कंप्रेसर के लिए आइकॉन है, ये ईपी ब्रेक के लिए आइकॉन है, और ये पार्किंग ब्रेक के लिए आइकॉन है, और ये हमारा एक एसीबी के लिए आइकॉन बने हैं। बाकी आइकॉन अदर ऑपरेशन के लिए बने हुए हैं, जिसको देख के ड्राइवर ऑपरेशन करते हैं। और एक ये हमारा सॉफ्ट बटन की एरिया है, जो कि ब्रेकिंग से संबंधित तीसरा ब्रेक और मेंटेनेंस मोड, इसके लिए हमको आइसोलेट करने या ब्रेकिंग के संबंधित जानकारी के लिए हमें बटन की एरिया दी हुई। ये हमारा लास्ट में है एरिया, जो थ्री मैक्स एरिया है, जो सारे सिस्टम सही होने पर 100 टीएमपीएस से शो करते हैं। यदि गाड़ी आइसोलेट है, हमारी एक कोच आइसोलेट है, तो 12 टीएमपीएस के रेशियो से या स्पीड कम शो करेगी। अगर एक कोच आइसोलेट है, 88 टीएमपीएस इसी रेशियो से जितने कोच आइसोलेट रहेंगे उतने रिसीव कम हो जाएंगे।
पूरी गाड़ी में ब्रेकिंग के लिए प्रत्येक कोच में एक कंबाइंड ब्रेक यूनिट दिया हुआ है, जो कि मास्टर कंट्रोलर और ब्रेक कंट्रोलर के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके ब्रेकिंग का काम करते हैं। कंबाइंड ब्रेक यूनिट प्रत्येक कोच में एक बॉक्स में 7 वाल्व का सेटिंग रहता है, जो कि 7 वाल्व उसमें अरेंज किए होते हैं। पहला जैसे उसमें एएमबी एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व, एचएमबी होल्डिंग मैग्नेट वाल्व, ट्रिपल वाल्व, सेफ्टी वाल्व और इक्विलाइजिंग वाल्व, और प्रेशर रिड्यूस करने के लिए लिमिटिंग वाल्व और एडिशनल लिमिटिंग वाल्व दिए हुए हैं। जिसमें मेमू में ब्रेक सिस्टम 4 प्रकार के हैं। पहला ईपी ब्रेक, ऑटो ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक और पार्किंग ब्रेक। ईपी ब्रेक पूरी ट्रेन सेट के लिए है, ऑटो ब्रेक पूरी ट्रेन सेट के लिए है, इमरजेंसी ब्रेक पूरी ट्रेन सेट के लिए है, पार्किंग ब्रेक केवल प्रत्येक डीएमसी में 4 व्हील पे लगे होते हैं, व्हील नंबर 1, 3, 5 व 7। ईपी ब्रेक मास्टर कंट्रोलर या जिसे बोलते हैं पावर ब्रेक कंट्रोलर द्वारा लगाया जाता है। जब हम मास्टर कंट्रोलर को ब्रेकिंग मोड पे लाते हैं, उस समय पूरी रैक में होल्डिंग मैग्नेट वाल्व एनर्जाइज होता है, जिससे कि ब्रेक सिलेंडर की जो एग्जॉस्ट पोर्ट को कनेक्ट किया रहता है एनर्जाइज होने पर उसे क्लोज कर देता है। उसके बाद एप्लीकेशन मैग्नेट वाल्व जो कि एमआर प्रेशर को लिमिटिंग वाल्व के थ्रू 3.5 kg और उसके बाद एडिशनल लिमिटिंग वाल्व के थ्रू डीएफसी में 1.6 और डीसी में 1.2 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में देके ब्रेक लगाने का कार्य करता है। ऑटो ब्रेक ब्रेक कंट्रोलर द्वारा पूरी रैक में ब्रेक लगाने का कार्य किया जाता है। ऑटो ब्रेक ब्रेक कंट्रोलर में 4 पोजीशन होते हैं, पहला रिलीज पोजीशन, दूसरा एप्लीकेशन पोजीशन, तीसरा लैग पोजीशन, चौथा इमरजेंसी पोजीशन। जब ब्रेक कंट्रोलर को एप्लीकेशन पोजीशन पे लाते हैं तो ट्रिपल वाल्व कंबाइंड ब्रेक यूनिट के ट्रिपल वाल्व प्रेशर डिफरेंस को सेंस करके लिमिटिंग वाल्व के द्वारा 1.2 kg का प्रेशर टीसी में और डीएमसी में 1.6 kg का प्रेशर देके पूरी रैक में ब्रेक लगाने का कार्य करते हैं। इमरजेंसी ब्रेक ईपी और ऑटो दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं, जिससे ब्रेकिंग की रिजिडिटी दृढ़ता बढ़ जाती है। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए या तो उसमें पोजीशन है ब्रेक कंट्रोलर द्वारा लगाया जाए, उसको बीपी ड्रॉप करना है, ब्रेक कंट्रोलर द्वारा बीपी ड्रॉप किया जाए, या मास्टर ब्रेक कंट्रोलर की इमरजेंसी पोजीशन पे लाया जाए, या मास्टर कंट्रोलर में इनबिल्ट डेड मैन वाल्व को जो कि 15 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहता है उसको छोड़ दिया जाए, या एनी कोई भी रीजन जिससे बीपी 3.4 kg से कम ड्रॉप हो तो पूरी गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है। और एक है गार्ड हैंडल की भी 2 पोजीशन होती है, जो कि गार्ड के सामने फ्रंट पे रहते हैं। इसमें 2 पोजीशन होते हैं, एक क्लोज एक ओपन। क्लोज पोजीशन में इसकी हैंडल विंडो साइड रहते हैं, जब इसको हम लगाना होता है तो ओपन पोजीशन पे लाते हैं, जिसकी पोजीशन गार्ड अपने साइड कर लेता है, ओपन हो जाते हैं। चूंकि ये डायरेक्ट बीपी पाइप से कनेक्ट रहते हैं, इससे बीपी 0 हो जाता है और पूरी गाड़ी में हमारे इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। पार्किंग ब्रेक एक स्प्रिंग लोडेड ब्रेक है, इसके लिए किसी प्रकार की कंप्रेस्ड एयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्प्रिंग लोडेड है, इसमें कंप्रेस्ड एयर देने से ब्रेक रिलीज होते हैं और कंप्रेस्ड एयर हटा देने से ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। क्योंकि ये पार्किंग ब्रेक जैसा नाम से लग रहा है कि ये स्टेबल गाड़ी या शेड हो या अन्य कहीं जगह स्टेबल हो,
तब इसकी जरूरत पड़ती है, कुछ समय हमें प्रेशर नहीं मिलेगा, इसलिए ये गाड़ी रोल डाउन ना हो इसलिए पार्किंग ब्रेक का अरेंजमेंट है। पार्किंग ब्रेक रिलीज कंडीशन में गेज में शो करेंगे 5 kg, एप्लीकेशन समय में 0 kg। जब ये पार्किंग ब्रेक हमारे एसोसिएटिंग का प्रत्येक ट्राली के लिए आइसोलेटिंग कॉक दिए, एक ट्राली में 2 ब्रेक सिलेंडर होते हैं पार्किंग के, इसी प्रकार के दोनों साइड के असिस्टेंट साइड कॉक दिए हुए हैं। अगर किसी वजह से पार्किंग ब्रेक रिलीज नहीं होता है, ऊपर पुश बटन DDU यूनिट पे पुश बटन दिए हुए हैं, पार्किंग ब्रेक अगर वहां से रिलीज नहीं होता है तो हम पार्किंग ब्रेक मैन्युअली रिलीज, जो कि तार दिया हुआ है एक चक्के नंबर 1 पर 3 पर 5 पे और 7 मैन्युअली रिलीज करेंगे। यदि रिलीज होने के बाद रास्ते में डिस्टर्ब करता है तो हम पार्किंग ब्रेक को आइसोलेट करेंगे। एक आइसोलेटिंग कॉक से 2 ब्रेक सिलेंडर आइसोलेट होते हैं, इसका मतलब एक ट्रॉली दोनों साइड बंद करेंगे तो पार्किंग ब्रेक हमारी आइसोलेट हो जाती है। ये प्रत्येक डीएमसी में असिस्टेंट साइड दोनों कॉक लगे हुए हैं। आगे हम लोग रेलू के ब्रेक बाइंडिंग वो उसके निवारण संबंधित बातों पे ध्यान देंगे। मेमो ब्रेक बाइंडिंग 3 प्रकार से चेक किया जा सकता है, किसी एक कोच में या वो डीएमसी हो या डीसी हो, एक बेसिक यूनिट में या पूरे ट्रेन सेट में। इस प्रकार से हम यदि एक कोच में होगा तो पहले हम ये रेक्टिफाई करेंगे कि एक कोच में वो डीएमसी में है कि टीसी में। यदि डीएमसी में है तो सबसे पहले डीडीयू ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट में जाएंगे और उससे ब्रेक बैंडिंग रिलीज करेंगे। यदि नहीं होता है तो मैनुअली करेंगे, मैनुअली में मैनुअल हैंडल को वायर को खींचेंगे जब तक हिसिंग साउंड समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उसको हिसिंग साउंड बंद होने तक वायर को खींचे रहेंगे। उसके बाद सुनिश्चित करेंगे कि रिलीज हुआ कि नहीं, ब्रेक अगर रिलीज हो गया तो ठीक है। उसके बाद उसमें ये चेक करना है कि डीएमसी में पार्किंग ब्रेक जो कि व्हील नंबर 1, 3, 5 और 7 पे लगे हैं उसका रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले ऊपर पुश बटन से पार्किंग ब्रेक रिलीज को पुश करेंगे, पार्किंग ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। यदि नहीं होते हैं तो हमें उसकी वायर रिलीज हैंडल वायर से रिलीज करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रिलीज हुए हैं कि नहीं हुए। फिर भी अगर पूरी गाड़ी में रिलीज ना हुआ हो तो ईपीआईसी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे और एआईसी ऑटो ब्रेक आइसोलेटिंग कॉक को बंद करेंगे, जिससे पूरी गाड़ी रिलीज हो जानी चाहिए। यदि नहीं होता है तो वायर को खींच के रिलीज सुनिश्चित करें। उसके बाद कोई एक कॉक ईपीआईसी या एआईसी को ओपन करेंगे, यदि रिलीज कंडीशन में है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे से इसी तरह बार-बार चेक कर लेंगे। जिस कंडीशन में एप्लीकेशन हो रहा है और रिलीजिंग हो रही है तो उस कॉक को छोड़ देंगे। यदि जिस कॉक को खोलने से ब्रेक बाइंडिंग हो रही है तो उसको बंद करके गाड़ी को चलाने का काम करेंगे। बीच वाले कोच इन द सेंस डीएमसी छोड़कर यदि किसी टीसी में ब्रेक बाइंडिंग है तो चूंकि टीसी में कोई पार्किंग ब्रेक अरेंजमेंट नहीं लगे होते हैं, इसलिए केवल या तो ऑटो ब्रेक वर्किंग से ब्रेक बाइंडिंग हुई हो या तो ईपी से, तो इसमें भी केवल ईपीआईसी और एआईसी कॉक को बंद करेंगे और वही सेम प्रोसेस एक एक कॉक को खोल के चेक करेंगे ब्रेक अप्लाई हो रहा है कि रिलीज हो रहा है। यदि ब्रेक अप्लाई नहीं होते हैं जिस कॉक से तो उसको ओपन करके छोड़ देंगे, बाकी दूसरे जिससे ब्रेक बाइंडिंग हो रहा है उस कॉक को बंद ही रखेंगे और गाड़ी को ब्रेक पावर टेस्ट करके गाड़ी को सर्विस में देंगे। यदि मेमू के पूरे एक बेसिक यूनिट में ब्रेक बाइंडिंग है तो इसे डिस्प्ले से आइसोलेट करेंगे और पूरी गाड़ी को ऑटो ब्रेक वर्किंग मोड पे देके सर्विस में भेजेंगे।
यदि पूरी गाड़ी में पूरी ट्रेन सेट में ब्रेक बाइंडिंग है तो इसके ये निश्चित करना है हमें कि ईपी से ब्रेक बाइंडिंग हो रहा है कि आपको से ब्रेक बाइंडिंग है। ये निश्चित करने के बाद ही उसमें ये अगला काम करना है। सपोर्ट ट्रेन में यदि ईपी से ब्रेक बाइंडिंग है तो AWS जो कि हर टीएमसी में असिस्टेंट साइड पैर के पास एक पैनल बने हुए हैं जिसमें डेडमैन और AWS ये नॉर्मल पोजीशन है, ये वर्टिकल पोजीशन में ये दो काम दिखेंगे और यहाँ दो काम दिखेंगे, ये दोनों एक AWS के लिए और एक डेडमैन के लिए। नॉर्मल पोजीशन में दोनों वर्टिकल रहेंगे, इसे आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट में दोनों को हॉरिजॉन्टल दिशा में दोनों को क्लोज कर देंगे, AWS और डेडमैन दोनों आइसोलेट रहेंगे। इसको आइसोलेट करने के बाद डीसीएस की जो कि मास्टर कंट्रोलर में इंसर्ट करके उसमें दो मोड होते हैं, एक नॉर्मल मोड और एक आरडीएम मोड, इसको रिलीज करके मास्टर कंट्रोलर को आरडीएम मोड में करके गाड़ी को आगे प्रस्थान करेंगे। यदि पूरी गाड़ी में ऑटो ब्रेक से ब्रेक बाइंडिंग हो गई तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो मास्टर कंट्रोलर द्वारा बीपी कम चार्ज हो रहा हो या तो ओवर चार्ज हो रहा हो। दो केस में पूरी गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग होगी। यदि बीपी कम चार्ज हो रहा है तो सब पूरी संभावना है कि ऑटो ब्रेक में जो ऑटो ब्रेक के लिए जो ब्रेक कंट्रोलर है उसके पीआरवी प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व का खराब होना, संभवतः पूरा चांस है प्रेशर रिड्यूस करके जो 5 केजी पूरी बीपी चार्ज होता है तो चार्ज ना हो पाए, उसके लिए सबसे पहले AWS आइसोलेट करेंगे जो कि सिंपल है, हम देखें उसको आइसोलेट कैसे करेंगे। फिर BIS की जो कि ब्रेक कंट्रोलर को इंसर्ट किए जाते हैं, इंसर्ट कर उसको दो तीन बार ऑन ऑफ करेंगे तो हमारा पूरी गाड़ी में चार्जिंग ठीक हो जाएगी, यदि ठीक नहीं हो रही है तो गाड़ी को कैंसिल करेंगे। संपूर्ण ट्रेन में यदि बीपी ओवर चार्जिंग ब्रेक बाइंडिंग का कारण है तो इसमें भी ब्रेक कंट्रोलर के पीआरवी जिसको 5 केजी इसमें मेमू में हमारे 4.7 केजी स्टैंडर्ड है प्लस माइनस 0.2 केजी यानी मिनिमम 4.5 केजी और मैक्सिमम 4.9 केजी बीपी प्रेशर चार्ज किए जाते हैं। यदि ओवर चार्ज है तो भी इसमें काम करेंगे, पहला कि AWS को आइसोलेट करेंगे, ब्रेक बाइंडिंग है नहीं है इसका इसे सुनिश्चित करेंगे और बीपी गेज पे ध्यान देंगे, बीपी गेज में कितने प्रेशर है। यदि उसके बाद भी रिलीज नहीं है तो ईपी ब्रेक मास्टर कंट्रोलर से ईपी ब्रेक ऑन ऑफ करके चेक करेंगे ब्रेक बाइंडिंग है कि रिलीज हो जाए, यदि रिलीज नहीं हो रहे हैं तो उस कोच का ईपी बंद करके कॉक ओपन करेंगे और मेनू स्लॉट की सूचना देंगे और गाड़ी के ईपी पे सेक्शन क्लियर करेंगे। आगे ये लाइन डायग्राम मेमू के डीएमसी न्यूमेटिक कनेक्शन का लाइन डायग्राम है, ये इसे हम 5 भागों में समझेंगे। पहला ये पूरा सेक्शन हमारा मेन एयर कंप्रेसर का है जो कि हमें कंप्रेस्ड एयर से देके पूरी लाइन को चार्ज अपने सिस्टम को चार्ज करने का है। सबसे पहले हमारे मेमू में MAC मेन एयर कंप्रेसर जो कि 415 वोल्ट 3 में AC मोटर ड्रिवन है, ये चालू होने पे प्रेशर बनाने कंप्रेस्ड एयर बनाने काम करता है, जिसमें यहाँ अगला पॉइंट है सेफ्टी वाल्व जो कि 8 केजी पर सेट है, इससे होते हुए चेक वाल्व के थ्रू चेक वाल्व मतलब नॉन रिटर्न चेक वाल्व इसको बोलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे एयर ड्रैग से होते हुए एयर ड्रैग हवा की नमी को खींच लिए ड्राई हवा को आगे देने का कार्य करेंगे। इसमें हमें दो रिजर्वायर है, एक MR1 एक MR2 दोनों की कैपेसिटी 125 लीटर। नीचे हमारे एडीबी लगे हुए हैं जो ऑटो ड्रेन वाल्व जो कि बचे हुए नमी को यहाँ से डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। यहाँ से हमारा MAC मेन एयर कंप्रेसर गवर्नर जो कि सेटिंग है 6 से 7 मतलब कि ये लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने का काम करते हैं। 6 केजी होंगे कंप्रेसर द्वारा बनाया गया प्रेशर का तो ये मोटर को सप्लाई देंगे और कंप्रेसर वर्किंग कर देंगे और
हिमालय यदि 7 केजी होगा तो इंजेक्शन काट देंगे और ये प्रेशर बनाना बंद कर देगा जो कि इसकी अनवांटेड प्रोसेस होती है। इसके बाद यहां से ब्रेन लेयर पॉप है, हिमालय का ब्रेन लेयर का प्रेशर का पॉप है, इससे बंद कर देने से पूरी गाड़ी की चार्जिंग बंद हो जाए, इसे हमें ऑन रहना सुनिश्चित करना है। ये पूरे हमारे कंप्रेसर का है, ये हमारी पूरी लाइन, यहां तक ये हमारी लाइन पार्किंग ब्रेक का है, पार्किंग ब्रेक का ये पूरे हमारे पेंटोकल न्यूमेटिक सेक्शन बने हैं, इतनी हमारी पेंटोकल न्यूमेटिक सेक्शन है और ये हमारा डीएमसी में ब्रेक के लिए, इतनी हमारी लाइन डीएमसी में ब्रेकिंग सिस्टम के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारे लाइन सेकेंडरी सस्पेंशन के लिए जो एयर वैल्व दिए हैं उसको चार्ज करने का कार्य करते हैं। ये हमारे पूरे हॉल वाइपर का कनेक्शन है, यहाँ से है हॉल वाइपर का, और ये हमारे डीएमसी में लगे ब्रेक कंट्रोलर, ब्रेक कंट्रोलर और डीएमएच और एडब्ल्यूएस पैनल की ये कनेक्शन है। फिर हम थोड़ा थोड़ा ये देखेंगे, यहाँ से हमें प्रेशर मिलने के बाद, प्रेशर मिलने के बाद एमआर से ये चेक वाल्व को पार्किंग ब्रेक रिजर्वायर जो कि 6 लीटर कैपेसिटी के होते हैं, इसको चार्ज करके पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटिंग से होते हुए 5 केजी प्रेशर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के होते हुए ये मैग्नेट वाल्व में आते हैं और इसी से ये 5 केजी का प्रेशर या पार्किंग ब्रेक पे शो करेंगे। यदि ये प्रेशर क्योंकि ये स्प्रिंग लोडेड है ब्रेक सिलेंडर, अगर इसमें प्रेशर 0 हो जाएगा तो ब्रेक अप्लाई होंगे, इससे कनेक्शन यहां ट्रॉली में दिए हुए हैं, ट्रॉली में पिन नंबर 1, 3, 5 और 7 सप्लाई, इसमें 5 केजी का प्रेशर होंगे तो ये रिलीज होंगे, प्रेशर हट जाएगा तो ये स्प्रिंग लोडेड ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। ये हमारा पेंटो के लिए सर्किट है, पेंटो के सर्किट क्योंकि पेंटो के यहां से एमआर यहां कनेक्टेड है टी जॉइंट से, ये हमारा एनआरबी है, ये हमारा दिया हुआ है ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर, एक्स्ट्रा फीचर एक ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर जो कि पेंटो को अप करने के लिए दिए है, क्योंकि उस समय हमें पेंटो को एच से कनेक्ट नहीं रखते हैं, हमें एक बैटरी ऑपरेटेड ऑक्सिलरी एयर कंप्रेसर है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर एयर कंप्रेसर है, ये शुरू में इसी के द्वारा प्रेशर देके पेंटो को अप कराया जाता है और फिर उसके बाद हमें जो सप्लाई पेंटो से मिलती है उसके द्वारा मेन एयर कंप्रेसर चार्ज किया जाता है। आगे हम देखेंगे ब्रेक कंट्रोलर, ब्रेक कंट्रोलर यहां से है, ब्रेक कंट्रोलर में एक प्रेशर एमआर की जाती है जो कि पीआरबी द्वारा 5 केजी प्रेशर देके पूरी पीपी लाइन तक पूरी रैक में चार्ज की जाती है, पूरी एक कोच से दूसरी कोच एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरी रैक में हमारे 5 केजी जो ब्रेक कंट्रोलर द्वारा प्रेशर चार्ज किए जाते हैं। ये हमारा एक लाइन वाइपर और उसके हॉर्न के लिए दिए हुए, यहां से हॉर्न कनेक्ट है इन आरबी को जो होते हुए स्कूटर रिजर्वायर पे जो कि हॉर्न रिजर्वायर के नाम से है 40 लीटर कैपेसिटी के, यहां से स्टेलर होते हुए एस्पिरेटिंग पाप होते हुए दो साइड है, ये हैंड ऑपरेटेड वाल्व है जो कि असिस्टेंट साइड है, ये फुट ऑपरेटेड वाल्व है जो कि ड्राइवर साइड, और ये हमारा वाइपर के कनेक्शन दिए हुए जो कि न्यूमेटिक से चलते हैं। ये अब हमारे सिस्टम बने हैं पूरे ब्रेक के लिए, डीएमसी में ब्रेक सिस्टम के लिए, क्योंकि डीएमसी हो या टीसी हो इनमें प्रत्येक कोच में 8 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं जो कि डीएमसी ब्रेक सिलेंडर है और ये साइड फ्रेम में इनबिल्ट होते हैं। हमारे कन्वेंशनल की तुलना में कन्वेंशनल में 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं, मगर इसमें हर व्हील के लिए एक एक ब्रेक सिलेंडर का अरेंजमेंट दिया हुआ है। ये कंबाइंड ब्रेक यूनिट जिसमें 7 ब्रेक का 7 वाल्व का अरेंजमेंट है, यहां से हमको इसमें डायरेक्ट एमआर प्रेशर पीपी यूनिट में आते हैं जो कि इसमें लगे हुए ट्रिपर वाल्व के द्वारा 5 केजी से या 125 लीटर को चार्ज किया जाता है। ये ऑटो ब्रेक दिए हुए ये ट्रिपर वाल्व और ये ट्रिपर वाल्व के थ्रू 125 लीटर चार्ज किया जाता है। ये इसमें पीपी यूनिट में हमारे 4 कनेक्शन होते हैं, एक एमआर के लिए जिसको पीपी आईसी एसएमटी पॉप बोलते हैं, एक
बीपी से चार्ज होते हैं जो कि एआईसी ऑटो आइसोलेटिंग का, और दूसरा कनेक्शन टिपर वाल के जरिए इसको चार्ज किया जाता है 125 केजी 125 लीटर रिजर्वायर को। और अगला जो कि हमको ये रिलीज वाल्व है जो कि इसी से हमारा वायर कनेक्ट होते हैं जिससे हम खींच कर मैनुअल रिलीज करते हैं, इसी के थ्रू मैनुअल रिलीज होते हुए ये अलग सेपरेट बोगी का है, ये अलग सेपरेट बोगी है। इस बोगी से निकला हुआ हमारा ये भेज है ब्रेक सिलेंडर प्रेशर गेज जिसमें प्रत्येक कोच में कितना प्रेशर से ब्रेक हमारा लगा हुआ है इसमें इसी गेज में शो करता है। प्रत्येक कोच प्रत्येक टीसी में दिए हुए हैं, प्रत्येक टीसी में इसका प्रेशर 1.2 केजी है और डीएमसी में 1.6 केजी है। ये हमारा अरेंजमेंट है हर व्हील के लिए, हर व्हील के लिए एक सिलेंडर दिया हुआ है। यदि किसी एक ट्रॉली में ब्रेक सिलेंडर की प्रॉब्लम की वजह से अगर ब्रेक बाटी होती है तो यहाँ से बोगी को आइसोलेट कर तो हमारा पूरा ये बोगी आइसोलेट हो जाएगा, और यदि इसमें प्रॉब्लम है तो यहाँ से इसी को आइसोलेट कर जिससे हमारी पूरी गाड़ी सेफ हो जाएगी आइसोलेट करके, क्योंकि बाकी कम सिस्टम समझ चुके हैं कि हमें पूरे कोच कैसे करना है, एक बेसिक यूनिट कैसे आइसोलेट करना और एक ट्रेन कैसे आइसोलेट करना है। मगर हमें बोगी आइसोलेट करना हो तो केवल और केवल अरेंजमेंट है बोगी आइसोलेटिंग कॉक से आइसोलेट करना।